So futurist feels of future. और पाकिस्तान की सलाहियतों के हवाले से जिस तरह बुराक जो हमारा ड्रोन है जिसका हम 23 मार्च को मुजाहरा देख चुके हैं और वो मंजरे आम पे आ चुका है और दीगर चीज़ें पाकिस्तान का राड मिसाइल और पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी और सिस्टम जो है उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम बहुत एडवांस है जो पृथ्वी नाग अग्नि त्रिशूल गर्जे के जो भी भारतीय इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी उनकी खुद बनाई हुई है वो उतनी सूदमंद नज़र नहीं आई। ब्रामोस मिसाइल जो इसराइल से उन्होंने अमेरिका को डिच करके इसराइल से ख़रीदे वो भी उसकी एक सूरत नज़र आती है और साथ साथ हमारे बुराक के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा उनके मीडिया में भी खबरें आती रही हैं। बीवीआर सिस्टम जो कि एक उनकी एयरफोर्स को एच था वो विजुअल रेंज जिसको हम कहते हैं वो टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान के पास भी है और साथ साथ अभी जो रशिया के साथ MI-35 हेलीकॉप्टर्स का सौदा हो रहा है और वाइपर खासतौर पे जो हेलीकॉप्टर्स अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है और चाइना से पाकिस्तान जो सब्स ले रहा है यानी सबमरीन्स की जो बात की जा रही है उस पर भी उनको बड़ी तशवीश है और फ्रांस के साथ राफेल तैयारों का उनका एग्रीमेंट होता नज़र आ रहा है तो कुछ एक बेचैनी सी नज़र आती है। इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इन्हीं चीज़ों का अहाता करेंगे। मेहमान शुरका का मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर टीपू सुल्तान साहब दिफाई तजिया कार हैं खुश आमदीद कहते हैं उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। मखदूम बाबर साहब सीनियर तजिया कार भी हैं और एडिटर इन चीफ हैं द डेली मेल के आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी देर में हमें आयतुल्ला दुरानी साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंटरनेशनल अमूर पर उनकी भी काफ़ी गहरी नज़र निगाह है। विकेट साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा हम कंपेरिजन कर रहे हैं हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अब मौजूद है BVR की मैंने बात की फिर हेलीकॉप्टर्स की MI-35 रशिया के साथ हम बात चल रही है हमारी सबमरीन्स की चाइना से हम डील कर रहे हैं वाइपर हेलीकॉप्टर्स का हमारा अमेरिका के साथ हो गया है साथ ही हमें नरेंद्र मोदी उधर भागते नजर आते हैं फ्रांस में राफेल प्लेन्स के लिए कैसे देखते हैं आप ये बैलेंस ऑफ पावर है या मैं आपको दो बातें पहले दो कमेंट्स करूंगा एक तो मेरे जो कलीग हैं उन्होंने ये जुडिशरी के मतलब जो कहा देखिए हुकूमतें जो है ना मुल्क की जुडिशरी दूसरे मुल्कों से नेगोशिएट नहीं करती हुकूमत करती है जो इंटरलोकूटर होता है वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो हुकूमत चलाते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान जो है उसकी हुकूमत हमेशा अब डिफेंसिव पे रही है। लखवी के मामले में हम क्यों डिफेंसिव पे हैं क्या हम उसको अंदर रखें जी बाने बना बना के ज़्यादा देर ताकि वो हमें कुछ ना कहें वायर वी डिफेंसिव। मेरे भाई ने आपको बड़ा सब्सटेंशियल एविडेंस और बड़े अच्छे तरीके से इसको समाप्त किया है क्या हुकूमत पाकिस्तान को ये बातें नहीं पता जो ये बता रहे हैं बिल्कुल पता है तो क्यों हम डिफेंसिव हैं क्यों हम नहीं बता सकते हिंदुस्तान को कि आप हमारा ये नुकसान कर रहे हो नाकाबिले बर्दाश्त है और इदारे इनको ये बताते रहे कि ये आप बताएं। बाकी ये कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी कैसे आज़ाद हुई कैसे नहीं हुई लोगों ने कैसे कुर्बानियाँ दी वो एक अलहदा बात है। ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज है कि वो दूसरे मुल्कों को बताए बशमूल अमेरिका और हिंदुस्तान के कि लखवी को जमानत जो है वो पाकिस्तान की अदलिया ने दी है एंड वी स्टैंड बाय दैट अदलिया। दूसरी एक और बात हिंदुस्तान की जो न्यूक्लियर डील है फ्रांस के साथ अभी होने जा रही है अमेरिका के साथ जो है हिंदुस्तान को मगरब प्रोटेक्ट कर रहा है और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के मामले में और जो इंटरनेशनल ट्रीटी है IAEA जिसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है उसके अंदर जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है या जो ट्रीटीज है उसको नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान को अकोमोडेट किया गया है। अमरीका ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा फ्रांस इंटरनेशनल लॉ तोड़ने जा रहा है उनको कोई नहीं पूछने वाला रिगार्डिंग देयर सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विच विल इवेंचुअली बी यूज बाय देयर डिफेंस ऑल्सो। अब बात आ जाइए इंडियन एयरफोर्स जो ये 35-36 रफेल ले जाने जा रही है $5 बिलियन के पहले उनकी डील थी कि 126 ले लेकिन वो असेंबली लाइंस में उनको दूर हो रहा था तो अब जब मूडी उधर गया है तो उन्होंने कहा फ्लाई कंडीशन में हम आपको जो है 36 इन अर्लियर टाइम फ्रेम इंडियन एयरफोर्स को ये देंगे के पास और हिंदुस्तान का जो मेन स्टे है वो MiG-21 रहा है टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रहा है और उन्होंने अभी कहा है कि जो तेजा वो इंडिजनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं शायद वो MiG-21 को जो है वो रिप्लेस करें लेकिन ये जहाज़ इतना ज़्यादा एडवांस है फोर्थ जनरेशन का जहाज है रफेल इट विल मेक अ डिफरेंस कैरियर बेस्ड भी वो है वो उस पर ग्राउंड टू एयर कैपेबिलिटी भी है एयर टू एयर भी है BVR भी है एवियोनिक्स भी हैं दो इंजन है रेट ऑफ क्लाइम उसका 1000 फुट जो है वो ज़्यादा है F-16 से ये 40,000 पे जाता है क्लाइम उसका 50,000 पे जाता है हाइट बैंड उनका एक ही है
لیکن جو ایف 16 نے اچیو کیا ہے جتنے پیسے میں اور جو کر رہا ہے, رفیل اس کے نزدیک نہیں لگے گا. پلس ایف 16 جو فائٹنگ فیلکن جس کو کہتے ہیں, اس کے پائلٹس موجود ہیں جو بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں ہمارے, ہمیں کوئی اتنا زیادہ ان سے جو ہے نا وہ ڈر خطرہ کی بات نہیں ہے, لیکن ٹیکنالوجی کی ایج ہے, دشمن کی موو جو ہے وہ ہمیں اس کو کرنا چاہیے. وی شوڈ ٹیک سٹاک آف دیٹ. اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ دیکھیے بات آگے کہ ہمارے پاس جو وائپر جہاز آ رہا ہے اس میں, ہاں جی, یہ چار بلیڈڈ آرٹیکولیٹڈ روٹر ہے, بیئرنگ لیس, دو انجن ہے ایز کمپیئر ٹو دی کوبرا. کوبرا بھی ایک اچھی مشین ہے اپنے ٹائم, مور لائک اپاچی. ابھی اپاچی جتنا تو نہیں ہے, اپاچی اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے, لیکن کوبرا کو سمجھیں گے کہ یہ وہ دو انجن دے کے ایڈوانس ورژن ہے. کوبرا میں ٹو میزائل لگتا ہے, اس میں ہاٹ لگتا ہے, بہتر سسٹم ہے, اور اس میں ہیل فائر لگتا ہے, بہتر سسٹم ہیل فائرز بھی دینے کی بات کی گئی ہے. ہزار ہیل فائر. ہم فارن پالیسی کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم سابق حکومت کی بات کرتے ہیں, ہم اس موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈیفینس اس وقت پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہماری ڈیفینس ہی ہے, ہماری آرمی ہے, ہماری فورسز ہیں, اور بھارتیوں کا اس پر خائف ہونا یا تشویش کا اظہار کرنا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ واقعی میں کچھ حقائق ہیں یا پھر وہ شور مچانے والی بات ہے؟ سر دیکھیں, خارجہ پالیسی اگر سیاسی بنیادوں پر بنے تو سیاسی پارٹی اور پرائم منسٹر اور وزارت خارجہ وہ اس طرح کو, جب آپ خود ہی جنگی حالت کے ایک سین پیش کر رہے ہیں, ابھی تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی ڈسکشن میں یہاں پر آ جائے گا کہ ایران کچھ زیادہ ہی اسلحہ خریداری کر رہا ہے, وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ابھی کرے گا نا جب اس کے ساتھ سب چیزیں, ابھی رشیا نے پابندی ہٹائی ہے نا, ایک ہفتے کے بعد, مہینے کے بعد, جب اس طرف وہاں پر بلوچستان, ایرانی بلوچستان, پاکستان کا بلوچستان, افغانستان کا بلوچستان, اور ان پٹیوں پر جب وہ اسلحہ زیادہ وہاں سے آنا شروع, خریداری ہو جائے گی, پھر کیا آپ ادھر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرو گے کہ کیا ایران کیوں اسلحہ خرید رہا ہے, وہ جند اللہ کیا چیز ہے, وہ حزب اللہ کیا چیز ہے, پھر آپ یہ ڈسکس کرو گے کیا؟ بھائی اگر کسی قوم کو وہ اپنے ڈیفینس میں, ہم چین سے خریدیں تو ہندوستان تو بات نہ کرے, ہم امریکہ سے خریدیں, F-16 کی تعریف کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس بہت اچھی چیز ہے, ہمارا تو نہیں, امریکن نے بھیجا ہے نا, اس کی سافٹ ویئر ابھی بھی امریکن کے پاس ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہائی ٹیک نہیں ہے. میں ویسے تو فزسسٹ آپ سے بات کر رہا ہوں, پولیٹیشین نہیں ہوں, اس وقت میں سبجیکٹ کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں. آپ ہم اگر ایٹم بم بنائے تو پھر دنیا بنائے. دیکھیں کچھ چیزیں قوموں کے, اگر آپ آزاد قوم ہیں آپ بناؤ, اگر آپ آزاد تعلق داری ہے بنا لے لو, اور اگر آپ کے پاس پیسہ اگر ہے, ابھی جو مودی کیا ہے ادھر, اس نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کی ہے, وہ سارے دیکھو. آپ کا انالیسی کا جرنل جا کر کے انالیسی کے ٹرک کو لے کے آیا, انہوں نے مرسیڈیز سے ہائی ٹیک لے لیا, انہوں نے کہا جی نہیں آپ ٹیکنالوجی مجھے دے. جب تک پاکستان ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پر نہیں جائے گا, ٹرانسفر آف اکوپمنٹ پر جائے گا, تو تباہی ہوگی آپ کی. آپ کا یہی ہے نا کہ آپ کو وہ لوگ ٹیکنالوجی ہائی ٹیک آپ کو نہیں دیں گے, دیں گے تو جو پرانی چیز ہے. ہم اس پر بیٹھے ہوئے کیا ہمارا اور ہندوستان کا جنگ ہونے والا ہے کیا؟ ہم اصلی کے چھوڑ دو, وہ چین کے لیے کرے, چین ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. نہیں بھائی, میں یہ ضرور کہوں گا کہ قوموں کے مفادات ہوتے ہیں, قوموں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, قوموں کے اپنے اپنے تضادات ہوتے ہیں, قوموں نے اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر کے کسی کے ساتھ دوستی, کسی کے دشمنی, دو قدم آگے ایک قدم پیچھے ہم نے چلنا ہے. دنیا کی سیاست کو ہم وقت آپ کے ساتھ. آپ نیٹو کے نہیں تیار آئی, آپ افغانستان میں گھس گئے, آپ رشین کے خلاف آج تک بھگت رہے ہو, اس لیے کچھ چیزوں کو اپنے حساب سے ہمیں 126 لے, لیکن وہ اسمبلی لائنز میں ان کو دور ہو رہا تھا. تو اب جب موڈی ادھر گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے فلائی کنڈیشن میں ہم آپ کو جو ہے 36 ان ارلی ٹائم فریم انڈین ایئر فورس کو یہ دیں گے ان کے پاس. اور ہندوستان کا جو مین سٹے ہے وہ MiG-21 رہا ہے, ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہا ہے, اور انہوں نے ابھی کہا ہے کہ جو تیجا وہ انڈیجنسلی پروڈیوس کر رہے ہیں شاید وہ MiG-21 کو جو ہے وہ ریپلیس کریں. لیکن یہ جہاز اتنا زیادہ ایڈوانس ہے, فورتھ جنریشن کا جہاز ہے رافیل, اٹ ول میک اے ڈفرنس. کیریئر بیسڈ بھی وہ ہے, وہ اس پہ گراؤنڈ ٹو ایئر کیپیبلٹی بھی ہے, ایئر ٹو ایئر بھی ہے, بی بی آر بھی ہے, ایویونکس بھی ہیں, دو انجن ہیں, ریٹ آف کلائم اس کا 1000 فٹ جو ہے وہ زیادہ ہے F-16 سے, یہ 40,000 پہ جاتا ہے کلائم اس کا, 50,000 پہ جاتا ہے, ہائٹ بینڈ ان کا ایک ہی ہے. لیکن جو F-16 نے اچیو کیا ہے جتنے پیسے میں اور جو کر رہا ہے, رفیل اس کے نزدیک نہیں لگے گا. پلس F-16 جو فائٹنگ فیلکن جس کو کہتے ہیں, اس کے پائلٹس موجود ہیں جو بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں ہمارے, ہمیں کوئی اتنا زیادہ ان سے جو ہے نا وہ ڈر خطرہ کی بات نہیں ہے, لیکن ٹیکنالوجی کی ایج ہے, دشمن کی موو جو ہے وہ ہمیں
उसको करना चाहिए, वी शुड टेक स्टॉक ऑफ दैट. इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? देखिए बात बुराक पे कि हमारे पास जो वाइपर जहाज आ रहा है. So, futurist feels of future. और पाकिस्तान की सलाहियतों के हवाले से जिस तरह बुराक जो हमारा ड्रोन है जिसका हम 23 मार्च को मुजाहरा देख चुके हैं और वो मंजरे आम पे आ चुका है और दीगर चीज़ें पाकिस्तान का राड मिसाइल और पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी और सिस्टम जो है उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम बहुत एडवांस है. जो पृथ्वी, नाग, अग्नि, त्रिशूल, गर्जे के जो भी भारतीय इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी उनकी खुद बनाई हुई है वो उतनी सूदमंद नज़र नहीं आई. ब्राह्मोस मिसाइल जो इसराइल से उन्होंने अमरीका को डिच करके इसराइल से ख़रीदे वो भी उसकी एक सूरत नज़र आती है. और साथ साथ हमारे बुराक के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा उनके मीडिया में भी खबरें आती रही हैं. बीवीआर सिस्टम जो कि एक उनकी एयरफोर्स को एच था वो विजुअल रेंज जिसको हम कहते हैं वो टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान के पास भी है. और साथ साथ अभी जो रशिया के साथ MI-35 हेलीकॉप्टर्स का सौदा हो रहा है और वाइपर खासतौर पर जो हेलीकॉप्टर्स अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है और चाइना से पाकिस्तान जो सब्स ले रहा है यानी सबमरीन्स की जो बात की जा रही है उस पर भी उनको बड़ी तशवीश है. और फ्रांस के साथ राफेल तैयारों का उनका एग्रीमेंट होता नज़र आ रहा है तो कुछ एक बेचैनी सी नज़र आती है. इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों का अहाता करेंगे. मेहमान शुरका का मैं तारुफ कराता चलूँ. हमारे स्टूडियो में हेलीकॉप्टर, हाँ जी, ये चार ब्लेडेड आर्टिकुलेटेड रोटर है, बेयरिंग लेस, दो इंजन है एज कम्पेयर टू दी कोबरा. कोबरा भी एक अच्छी मशीन है अपने टाइम मोर लाइक अपाची. अभी अपाची जितना तो नहीं है, अपाची और चीज़ है, ये और चीज़ है, लेकिन कोबरा को समझेंगे कि ये वो दो इंजन दे के एडवांस वर्जन है. कोबरा में टो मिसाइल लगता है, इसमें हॉट लगता है, बेहतर सिस्टम है, और इसमें हेलफायर लगता है, बेहतर सिस्टम भी देने की बात की गई है. हजार हेलफायर. हम फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, हम साबिक हुकूमत की बात करते हैं, हम इस मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं. आप क्या समझते हैं कि हमारा डिफेंस इस वक्त पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी डिफेंस ही है, हमारी आर्मी है, हमारी फोर्सेस हैं, और भारतीयों का इस पर खायफ होना या तशवीश का इजहार करना आपको क्या नज़र आता है कि वाकई में कुछ हकायक हैं या फिर वो शोर मचाने वाली बात है? सर देखिए, खारजा पॉलिसी अगर सियासी बुनियादों पर बने तो सियासी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर और वजारत खारजा वो इस तरह को, जब आप खुद ही जंगी हालत के एक सीन पेश कर रहे हैं, अभी तो कुछ दिनों के बाद आपकी डिस्कशन में यहाँ पर आ जाएगा कि ईरान कुछ ज़्यादा ही असला ख़रीदारी कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? अभी करेगा ना जब इसके साथ सब चीज़ें, अभी रशिया ने पाबंदी हटाई है ना, वो अभी आप एक हफ्ते के बाद, महीने के बाद, जब इस तरफ वहाँ पर बलोचिस्तान, तो क्यों हम डिफेंसिव हैं? क्यों हम नहीं बता सकते हिंदुस्तान को कि आप हमारा ये नुकसान कर रहे हो, नाकाबिले बर्दाश्त है, और इदारे इनको ये बताते रहे कि ये आप बताएं. बाकी ये कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी कैसे आज़ाद हुई, कैसे नहीं हुई, लोगों ने कैसे कुर्बानियाँ दी, वो एक अलग बात है. ये हकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मुल्कों को बताए, बशमूल अमरीका और हिंदुस्तान के, कि लकवी को ज़मानत जो है वो पाकिस्तान की अदलिया ने दी है, एंड वी स्टैंड बाय दैट अदलिया. दूसरी एक और बात, हिंदुस्तान की जो न्यूक्लियर डील है फ्रांस के साथ अभी होने जा रही है, अमेरिका के साथ जो है, हिंदुस्तान को मकसद प्रोटेक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के मामले में और जो इंटरनेशनल ट्रीटी है IAEA जिसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है या जो ट्रीटीज है उसको नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान को अकोमोडेट किया गया है. अमरीका ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, फ्रांस इंटरनेशनल लॉ तोड़ने जा रहा है, उनको कोई नहीं पूछने वाला रिगार्डिंग देयर सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विच विल इवेंचुअली बी यूज बाई देयर डिफेंस ऑल्सो. अब बात आ जाइए इंडियन एयरफोर्स जो ये 35-36 रफेल ले जाने जा रही है $5 बिलियन के. पहले उनकी डील थी कि तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब, दिफाई तजिया कार हैं, खुश आमदीद कहते हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मखदूम बाबर साहब, सीनियर तजिया कार भी हैं और एडिटर इन चीफ हैं द डेली मेल के, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं. थोड़ी देर में हमें आयतुल्ला दुरानी साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इंटरनेशनल अमूर पे उनकी भी काफ़ी गहरी नज़र निगाह है. ब्रिगेड साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अब मौजूद है, BVR की मैंने बात की, फिर हेलीकॉप्टर्स की MI-35 रशिया के साथ हम बात चल रही है हमारी, सबमरीन्स की चाइना से हम डील कर रहे हैं, वाइपर हेलीकॉप्टर्स का हमारा अमेरिका के साथ हो गया, साथ ही हमें नरेंद्र मोदी उधर भागते नज़र आते हैं फ्रांस में राफेल प्लेन्स के लिए,
کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ بیلنس آف پاور ہے؟ میں آپ کو دو باتیں پہلے دو کمنٹس کروں گا. ایک تو میرے جو کلیگ ہیں انہوں نے یہ جوڈیشری کے متعلق جو کہا, دیکھیے حکومتیں جو ہیں نا ملک کی جوڈیشری دوسرے ملکوں سے نیگوشیٹ نہیں کرتی, حکومت کرتی ہے. جو انٹرلوکوٹر ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, جو حکومت چلاتے ہیں وہ کرتے ہیں. پاکستان جو ہے اس کی حکومت ہمیشہ اب ڈیفینسو پہ رہی ہے. لکھوی کے معاملے میں ہم کیوں ڈیفینسو پہ ہیں کہ ہم اس کو اندر رکھیں جی بانے بنا کے زیادہ دیر تاکہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں؟ وائی آر وی ڈیفینسو؟ میرے بھائی نے آپ کو بڑا سبسٹینشل ایویڈنس اور بڑی اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا ہے. کیا حکومت پاکستان کو یہ باتیں نہیں پتہ جو یہ بتا رہے ہیں؟ بالکل پتہ ہے.